पोकेमोन अल्टीमेट जर्नीज के एपिसोड 34 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तुम्हें लग रहा होगा एस वर्सेस सिंथिया खत्म हो चुका है, तो एस वर्सेस लियोन प्रारंभ होने वाला है इस एपिसोड के अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एस और गो जो है वाइडो स्टेडियम में आ चुके हैं, बिकॉज लियोन ने इनको यहाँ पे बुलाया है और इनको लग रहा है कि लियोन हमको पोकेमोन शो करने वाला है, क्योंकि वो यूज़ करने वाला है फाइनल मुकाबले के अंदर। असल में लियोन यहाँ पे आता तो है, लेकिन प्रोफेसर और सोनिया को लेकर, अरे भाई एस क्रिम से इतना डरता है क्या तू, बताना मुझे। लेकिन कोई ना, लियोन आता है, पोकेबॉल तो शो करता है, लेकिन उस पोकेबॉल के अंदर नॉर्मल पोकेमोन नहीं बल्कि एटरनेटस होता है। एस और गो चौंक जाते हैं। गो बोलता है, हाँ मैंने एटरनेटस को पकड़ा था, लेकिन पहले ही काफ़ी वायलेंट था, लेकिन अब ये शांत हो चुका है, ऐसा क्या हुआ? तो लियोन बताता है, हमने इसको इमोशन के कंट्रोल करने का ट्राई किया, इसके इमोशन को हमने समझा, अब ये ह्यूमन के साथ में रहना सीख चुका है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर काम करना बाकी है। तो गो बोलता है कि हाँ तुम इसको टेक केयर कर सकते हो, मेरी परमिशन है, और एक दिन मैं चाहता हूँ कि एटरनेटस मुझे एक्सेप्ट कर ले। और इस तरीके से गो जो है अपना एटरनेटस दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन में से एक पोकेमोन को वो लियोन को दे देता है। और लियोन जाते इसको बोलता है, तुम्हें हारना नहीं है, वैसे मैं भी नहीं हारने वाला, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मेरा चाइजर रेडी होगा मुझे बचाने के लिए। और लियोन यहाँ से चला जाता है, और मैं बता रहा हूँ एस किस्म जो है मनी मन में गो को गालियाँ दे रहा होगा, बिकॉज अगर गलती से भी लियोन ने एटरनेटस का यूज़ कर लिया ना भाई, इसकी हवा टाइट हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। और ये एपिसोड में हमको आगे दिखाया जाता है कि किस तरीके से यार गुलाब के पोकेमोन की प्रॉब्लम को एस और गो मिलकर सोल्व करते हैं, और टीम रॉकेट से भी वो मुकाबला करते हैं। तो आगे वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पार्ट इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। और एक कमाल का फैक्ट बताता हूँ इस एपिसोड से, और वो है इस एपिसोड में हमको आखिरी बार टीम रॉकेट की प्राइस मशीन जो है वो दिखाई गई, यानी कि इस एपिसोड के बाद हमको ये मशीन कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, तो इसको अच्छे से प्यार से देख लेना। और तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा बताओ, एंड मिलते हैं अगले वाले इंपॉर्टेंट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।